रेवाड़ी में बदमाशों का तांडव बढ़ता जा रहा है। बीती रात भी दो बदमाशों ने एक होटल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर खरखड़ा गांव के पास यादव होटल के संचालक 38 वर्षीय रामवीर की दो बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल खरखड़ा गांव का रामवीर कल रात अपने होटल पर मौजूद था, तभी कार में सवार होकर आए दो युवक और दोनों ने रामवीर पर गोलियां चला दी। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए और रामवीर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों के मुताबिक जिन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और कुछ दिन पहले हथियारों ने अवैध वसूली की मांग की थी, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई थी, लेकिन पंचायत स्तर पर समझौता हो गया था। लेकिन रात दो हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। होटल पर बैठा था भाई, वो गाँव का नरेश नाम का एक लड़का है जो पहले वारदात करता आ रहा है। उसने वहाँ के दो बंदे आए, दोनों ने अपने अपने रिवॉल्वर निकाल कर गोली मार दी। क्यों मारी? पहले एक बार झगड़ा हुआ था थोड़ा। किस बात को लेके? हफ्ता मांगता था वो होटल से। हफ्ता मांगता था? कितने पैसे मांगता था? पैसे का तो मालूम नहीं, हफ्ता मांगने के लिए आया था जब थोड़ी रंजिश हो गई थी। अच्छा। भाई ने देने के लिए मना कर दिया था। तो क्रिमिनल है वो जो बाकी जो लोग हैं? पहले उसका केस चल रहा है काफी साल से। तो पुलिस में कंप्लेंट की थी पहले? पहले हुई थी, फिर पंचायत से फैसला हो गया था। ये रामवीर अपना ढाबा चलाता था और इसी के गांव का नरेश कुमार सन्नौ दलीप सिंह खरखड़ा गांव से ही है, रेवाड़ी में रहता है। उसकी 5-6 महीने से पहले कोई दुश्मनी थी, उसी रंजिश को लेकर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर रात को गोलियों से उसकी हत्या कर। क्या कुछ रंजिश थी पीछे से? रंजिश पीछे की पुरानी, 5-6 महीने पहले धमकी वगैरह दी थी इसने नरेश को, इसी वजह से मामला दर्ज कर लिया। हाँ, मुकदमा दर्ज कर लिया।